हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें ताकि आप देख पाएं हमारे सारे वीडियो सबसे पहले। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार देर रात डॉक्टर कफील खान को मथुरा जेल से रिहा कर दिया गया है। जेल से बाहर आने के बाद डॉक्टर कफील ने सूबे की योगी सरकार पर निशाना साधा और तंज कसते हुए कहा कि शुक्र है कि मुंबई से लाते वक्त एसटीएफ ने उनका एनकाउंटर नहीं किया। डॉक्टर कफील ने आशंका जताई है कि योगी सरकार उनको किसी अन्य मामले में फंसा सकती है। जेल से रिहाई के बाद पीटीआई से बात करते हुए कफील खान ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार राजधर्म करने की बजाय बालहाट में लिप्त थी, अब यूपी सरकार उनको किसी अन्य मामले में फंसा सकती है। डॉक्टर कफील खान ने कहा, रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने कहा था कि राजा राजधर्म के लिए काम करना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में राजा राजधर्म नहीं निभा रहे हैं बल्कि बालहट कर रहे हैं। इस दौरान डॉक्टर कफील ने अपने शुभ चिंतकों का भी धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मैं जुडिशरी का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतना अच्छा ऑर्डर दिया है। सभी 138 करोड़ देशवासियों का धन्यवाद और उन लोगों का धन्यवाद जिन्होंने संघर्ष में मेरा साथ दिया। प्रशासन रिहाई के लिए तैयार नहीं था, लेकिन लोगों की प्रार्थना से मुझे रिहा कर दिया गया है। बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में CAA और NRC को लेकर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में डॉक्टर कफील खान को एसटीएफ ने जनवरी में मुंबई से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उनके खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई की गई। मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए NSA के तहत खान की हिरासत को रद्द कर दिया और उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया था, जिसके बाद डॉक्टर कफील को रिहा किया गया। हालांकि इससे पहले कफील की जेल से रिहाई को लेकर भी रस्सा कशी देखने को मिली। कोर्ट के आदेश के बाद भी डॉक्टर कफील की रिहाई को लेकर देर रात ड्रामा चला। दरअसल कोर्ट के तत्काल रिहाई के बाद भी अलीगढ़ प्रशासन की ओर से देर शाम तक रिहाई संबंधी कोई ऑर्डर मथुरा जेल नहीं भेजा गया, जिसके चलते रिहाई अटकी हुई थी। हालांकि मध्य रात्रि में मथुरा जेल पहुंचे रिहाई के ऑर्डर के बाद डॉक्टर कफील को रिहा कर दिया गया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है, ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।